और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केशव गेमर। और आगे वापस एक अमेजिंग वीडियो के साथ। दोस्तों यार, मेरे को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहता हूँ, इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज कुछ मैं ऐसे प्रूफ लाया हूँ कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रूफ है। और इस वीडियो को यार, मतलब बिना किसी जज करने से पहले मेरे को, पर पूरी वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि आज की जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बीजीएमआई बैन होना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग मान ही नहीं रहे। हम यूट्यूबर्स इतना ट्राई कर रहे हैं बीजीएमआई को बचा ले कैसे भी ना कैसे करके, ये मतलब, और वहीं पर ये बीजीएमआई वाले बार बार गलती कर रहे हैं, बार बार अपने आप को खुद बैन करवाना चाहते हैं। बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। एंड सभी के सभी बंदे कमेंट स्पैम सेक्शन में स्पैम कर दो, वी वांट बीजीएमआई स्पैम कर दो। अगर आप ये स्पैम करोगे, सभी यूट्यूबर्स करवा रहे, तो यूट्यूबर्स की ऑफिशियल तक बात जाती है, तो शायद जहाँ तक हो सके जितना जल्दी आ सकता है बीजीएमआई, आपको पता ही होगा। दोस्तों यार, आपको पता होगा कि जब हमारे नया सीजन का रॉयल पास आया था, तो हमें ये पैराशूट ट्रेल देखने को मिला था, जो कि ये हमारा जब हम लैंड करते हैं तो ये कलर छोड़ता है, जिससे हमें काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। सो इसमें हमारे इन्होंने इंडिया कलर को, इंडिया के फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट किया गया था। आपको देख पा रहे होंगे कि इंडिया का ये फ्लैग के कलर्स हैं, इन्हें दिखाया गया है। अभी अगर हम बात करें, लोगों ने इस चीज़ को इतना रिपोर्ट किया, आपको देख पा रहे होंगे ये ट्राई कलर वाला हमारा गेम में लोगो, जिसे हम खरीद सकते थे। तो अभी के वक्त में जैसे आप देख पा रहे हो, मैं बीजीएमआई में अपना अकाउंट खोल कर देखता हूँ, तो अभी सभी का सभी हटा दिया गया है। पर ये बीजीएमआई बैन से एक दो दिन पहले का सीन है, मतलब बीजीएमआई बैन का ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई ये यार हमारे गेम को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, और ऊपर से इतनी वायलेंस वगैरह है, मतलब सरकार को एक और पॉइंट वगैरह मिल जाएगा, कहने को सॉरी एनजीओ वगैरह को, कि यार ये देखो हमारे गेम को फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं अपनी इन्वेंट्री में देखूँ तो मेरी इन्वेंट्री में ये अभी तक पड़ा है, क्योंकि मेरे पे उस वक्त में था, मतलब ये कि फ्री में मिला था जैसा आप देख पा रहे होगे। एंड यार इस वजह से देखो, एक तो उन्होंने ये कांड कर दिया सबसे बड़ा, जिस वजह से बीजीएमआई बैन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। वहीं पर आपको पता होगा कि यार हमारे गेम में अभी मतलब कुछ बैन होने बाद, ये दो तीन दिन बाद ये निकल के आया था कि बीजीएमआई के अंदर टेंसेंट की 15% स्टेक है, क्राफ्टन के अंदर सॉरी, तो मतलब 15% स्टेक है। तो यार ये मतलब इतने ज़्यादा रीज़न दे दिए सरकार को बैन करने के लिए हमारे बीच में, कुछ ज़्यादा ही दे दिए। और वहीं पर ये कहते हैं कि यार हम डाटा शेयर नहीं करते। भाई डाटा शेयर क्यों नहीं करेंगे जब तुम्हारे 15% स्टेक है टेंसेंट के पास? अब भाई अब बताओ क्या ही क्या है। और वहीं पर इन्होंने इतनी गलती होने के बावजूद भी आज फिर से गलती कर दी। आपको पता होगा थक का वॉइस पैक आया है, मतलब थक भाई का वॉइस पैक आया है, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे और नॉर्मल वॉइस पैक आते हैं सबको, आपको ये तो पता ही होगा। पर इन्होंने आज इतनी बड़ी गलती कर दी कि भाई अब तो लगता है, मेरे को नहीं लगता कि बीजीएमआई वापस आएगा। जैसे देख पा रहे होगे इस पे मिल्टा पबजी मोबाइल लिखा है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारा पबजी मोबाइल से कोई लिंक ही नहीं है, और वहीं पर ये पबजी मोबाइल की ड्रेस दे रहे हैं। अभी तक ये ड्रेस गेम में है, मौजूद है, अगर आप अपने गेम में जाके चेक करोगे अभी भी आपको मिल्टा पबजी मोबाइल दिख जाएगी। मतलब यार ये तो गेम को चाहते ही नहीं कि अनबैन हो, यार ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं कि यार ये गेम वाले, देख पा रहे मिल्टा पबजी मोबाइल साफ साफ लिख रहा है। कोई भी बंदा इसे रिकॉर्ड करके फ्यूचर में भी दिखा सकता है कि अभी तक रिकॉर्ड भी कर लियो कि देखो भाई पबजी मोबाइल से इनके लिंक है, एग्जैक्ट उन्हें छाप रहे हैं भाई, लिटरली दिमाग खराब कर। अब दोस्तों यार, आपने जब इस चीज़ को देखा तो आपको गुस्सा आया कि नहीं, कमेंट से बताना, मेरे को तो बहुत गुस्सा आया। एंड साथ में मैंने एक वीडियो बना रखा है, यूसी अगर बीजीएमआई बैन होता है क्या आपको रिफंड मिलेगा, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड, कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट के पिन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लो, पूरा एक्सप्लेन किया है, सब आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे यूसी रिफंड मिलेगा अगर मिलेगा तो। एंड मैं आपको बता रहता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो को लाइक कर दो यार, प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। एंड साथ में क्राफ्टन ने अनाउंस किया था कि हम $140 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होते हैं। आपको बता रहता हूँ, पहले उन्होंने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो कह रहे हैं हम 140 मिलियन की इन्वेस्टमेंट और करेंगे। ये ट्राई कर रहे हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ई स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा, एंड यूट्यूबर्स का भी बहुत फायदा होगा। आपको पता होगा क्योंकि क्राफ्टन बीजीएमआई बहुत बंदों का घर चलाता है। आपको पता होगा भाई, देखो मेरे भी पैसा कमा रहा हूँ बीजीएमआई की वजह से ही कमा रहा हूँ, एंड आपकी वजह से ही कमा रहा हूँ। सो इसका सेम रीज़न यही है। तो क्राफ्टन एक तरह से मक्खन लगा रहा है गवर्नमेंट को, लगाना भी चाहिए, जिससे बीजीएमआई अनबैन हो, क्योंकि $140 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है, आपको ये तो पता ही होगा। एंड साथ में ये तो आपको समझ आई गया होगा। और वहीं पर साथ में एक और अपडेट आया निकल के, ये गेम लवर्स ने दिया है, उनके चैनल से मैंने उठाया है, मैं आपको पहले बता दूं, क्रेडिट्स उन्हें दे देता हूं। अभी क्राफ्टन ने, मतलब सॉरी, सरकार ने क्राफ्टन से 50 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर बीजीएमआई ने 14 दिन के अंदर उनका आंसर सही दे दिया
तो हमारा BGMI अनबैन हो जाएगा। आपको उधर तो 14 जो 50 क्वेश्चन होंगे ये उसके बारे में होंगे क्या हमारे चाइना से डेटा लिंक के, ये आपने क्यों किया, कुछ भी हो सकता है इसमें। अब इसमें देखते क्राफ्टिंग कैसे स्मार्ट रिप्लाई करता है, क्या देख पाते हैं। नहीं पहले भी हुआ था जो 70 क्वेश्चन पूछे थे पबजी मोबाइल बैन के वक्त में, ABP न्यूज़ पर आप देख पा रहे हो आर्टिकल, उस वक्त में पूछे थे पबजी मोबाइल से सरकार ने 70 क्वेश्चन, पर पबजी मोबाइल उस वक्त आंसर नहीं दे पाया था जिस वजह से पबजी बैन हो गया था। अगर आंसर भी देते गलत दिए थे, सो यही कारण था जिस वजह से पबजी बैन हो गया था। एंड दोस्तों अब देख पा रहे हो क्या ही करें अब इसका। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको सारे मेजर अपडेट्स बता दिए हैं, एंड मैं कल को एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि पबजी वीजे में क्यों मतलब कॉपी कर रखा है पबजी से रिलेटेड गेम्स का, क्योंकि मैं आप देखो ये तो मैं पबजी वीजे में डेली तो ऐसे तो नहीं, मैं और यूट्यूबर्स की तरह यही डालता रहूँगा। अब अपने मेरे को कंटेंट भी थोड़ा ध्यान देना है, सो बस मेरे को प्लीज सपोर्ट करना, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का ट्राई करूंगा। मिलता अपने अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।